बिल्कुल अब सामान्य होने जा रही है धीरे धीरे, और काफ़ी हद तक ठीक है इस टाइम, कोई वो नहीं। और 10वीं से लेके 12वीं तक के स्कूल जो है हमने बहुत पहले खोल ही दिए थे। आज हमने निर्णय लिया कि जो पहली क्लास से लेके और 9th क्लास तक के बच्चे जो हैं उनके लिए हम 10वीं से स्कूल खोलने जा रहे हैं। कई जगह आंदोलन चल रहा है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो फिर ऑनलाइन ही पेपर भी होने चाहिए, और कई लोग इसके ऑफलाइन पेपर के पक्ष में। एज ए शिक्षा मंत्री आप किस पक्ष में हैं कि ऑफलाइन होने चाहिए ऑनलाइन होने चाहिए? नहीं देखिए, हम तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर हैं। अगर परिस्थितियां ठीक हैं तो निश्चित तौर से जो पेपर हैं वो ऑफलाइन ही लिए जाएंगे, लेकिन अगर परिस्थितियां सही नहीं हैं और संक्रमण बढ़ता है तो उस स्थिति में ऑनलाइन, सुरक्षा की दृष्टि से ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। तो इसके लिए कोई आंदोलन या कोई बयानबाजी की मैंने समझता कोई आवश्यकता है, ये तो एक मजबूरी का काम था कि मजबूरी थी इसलिए हमने स्कूल बंद करने पड़े, मजबूरी थी इसलिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन का काम करना पड़ा, तो उसके लिए करना पड़ा, नहीं तो सारा कुछ ऑफलाइन ही चलेगा और जिस प्रकार से पहले स्कूल चलते थे उसी प्रकार से चलेंगे। हाँ, इस ऑनलाइन से आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमें और लाभ हो सकता है, क्योंकि एक नई चीज़ जो है वो चाहे मजबूरी में ही हमने शुरू की, लेकिन हम आने वाले टाइम में बच्चों की रिवीजन वास्ते या किसी और के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात और देखी गई सर कि पीछे मेवात मॉडल स्कूल थे, आपने उसको बंद करके दूसरे का मर्ज किया या जो भी है, वो क्या स्कीम थी और दरअसल उसके लिए आप क्या विचार क्या कर रहे हैं मेवात के लिए? नहीं देखिए, मेवात में जो टीचर की कमी थी उसके बारे में भी और जो वहाँ का जो बोर्ड गठन हुआ था उसके बारे में भी हमारा है कि वहाँ पे कुछ तो टीचरों की कमी थी उसको पूरा करना, और आने वाले टाइम में वहाँ और अच्छी शिक्षा मिल सके उसके लिए टीचरों की नियुक्ति करना, या जो रिटायर्ड टीचर हैं उसके बारे में हमने निर्णय लिया कि जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको भी, जो गेस्ट रिटायर हैं उनको भी, और जो मान्यता प्राप्त जो एजुकेशन स्कूल हैं उनके अगर टीचर हैं वो रिटायर होते हैं तो उनको भी, इस प्रकार से हमने निर्णय लिया कि उस कमी को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, आने वाले टाइम में भर्तियाँ भी करेंगे। संस्कृत को और बढ़ावा मिल सके उसके लिए कुछ खास फैसला लिया आपने, क्योंकि संस्कृत के अध्यापक सबसे कम है और अब माना जा रहा है कि संस्कृत बहुत कम स्कूलों में पढ़ाई जाती है क्योंकि अध्यापक ही नहीं है और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन वहाँ पे स्थिति नहीं है, तो अब क्या नया फैसला लिया जिससे बच्चे स्कूल में संस्कृत पढ़ सकेंगे? देखिए, एक तो उनकी प्रमोशन के मामले में जो समस्या रही थी आज उसका भी हमने समाधान किया कि उनको प्रमोशन में कोई समस्या ना आए, और दूसरा उनकी एक डिमांड थी कि जो बीएड करते हैं तो पहले वो बीएड संस्कृत के साथ करता था तभी वो संस्कृत का टीचर लग सकता था, तो अब हमने उसमें एक चेंज किया है कि वो जैसे दूसरी भाषाओं के लिए है कि बीएड ही ज़रूरी है, उसके लिए संस्कृत शब्द जो था वो हमने उसमें से उसमें रिमूव किया, उसमें सुधार किया, ताकि उनकी यूनियन की बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी। संस्कृत अध्यापकों की भर्ती कब से शुरू करने का इरादा है, क्या मतलब क्या डिमांड भेजेंगे आप को, क्या प्रोसीजर अपनाएंगे आप लोग? देखिए, आने वाले टाइम में भर्ती तो सारी जो विषय हैं उन सारे विषयों के टीचरों की करने वाले हैं, और जो कमी है उसको पूरा करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक अहम सवाल सर, पीछे यमुनानगर हो गया, चाहे गुड़गांवा हो गया, चाहे मेवात हो गया, उसमें देखा गया कि धर्मांतरण के बड़े मामले आए और अमूमन मामले ईसाई और मुस्लिम धर्म से ज़्यादा जुड़े थे, कई लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था और कई मुस्लिम जो है हिंदू की लड़कियों शादी कर लेते, तो अब इसको लेकर के एक फैसला लिया गया है, क्या है पूरा फैसला सर? नहीं देखिए, उसमें हमने निर्णय ये लिया है कि कोई भी आदमी किसी को धोखे से, दबाव से, लालच से किसी भी व्यक्ति का मत परिवर्तन ना करे, उसके लिए कानून बनाया, और अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपना अपनी इच्छा से वो अपना मत परिवर्तन करना चाहता है तो वो डिप्टी कमिश्नर के साथ के पास जाएगा और उसके बारे में उसको जानकारी देगा, एप्लीकेशन देगा, उसको एक महीने का टाइम दिया जाएगा और वो अपना परिवर्तन अपनी इच्छा से करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसे ना कि कोई उसको जिस प्रकार से आपने कहा कि उसको गलत जानकारी दे के या दबाव दे के या लालच दे के उसका मत परिवर्तन करे, उसके ऊपर रोक है। ये सिख धर्म पे लागू नहीं होगा? नहीं देखिए, सिख जितने भी यहाँ के हमारे मत पंथ हैं हिंदुस्तान के जितने भी हैं, चाहे वो कोई बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी है, यहाँ आज तक किसी ने इसके इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि किसी के ऊपर दबाव डाल के, कोई आपके पास एक केस है ऐसा कि सिखों ने किसी से कहा हो कि सिख बन जा? अगर अपने आप गया सिख बनने के लिए तभी वो बनाते हैं, सिख ऐसे नहीं बनाते, किसी ने कहा गया जैन बन जा हम आपको लालच देंगे, किसी ने कहा गया बौद्ध बन जा, कोई नहीं कहता, यहाँ हमारे यहाँ इस प्रकार का नहीं रहा है, यहाँ तो बल्कि प्रार्थना करके, यहाँ तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा सजाया और उसके बाद जब पंच प्यारे बनाए दिए तो गुरु गोविंद सिंह ने भी अरदास करी, उनसे कहा कि मुझे भी अपना खालसा बना लो, तो यहाँ तो स्वयं गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी प्रार्थना करी कि मुझे सिख बनाओ, जबकि सिख वही बनाने वाले थे,
तो यहाँ इस प्रकार का कभी विचार नहीं रहा। हमारा जो विचार है वो परमात्मा को जानने का है, और हमारा विश्वास ये है कि परमात्मा एक ही है, आप किसी रास्ते से भी उसको जान सकते हैं। लेकिन कुछ जगह इस प्रकार का है कि वहाँ संख्या बढ़ाने पे इस प्रकार का जोर रहता है, और उस संख्या बढ़ाने में कई बार इस प्रकार का भी होता है कि गलत जानकारी दे के या दबाव दे के कोशिश करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का कभी नहीं रहा। पूरे देश में एक चर्चा चल रही है, कई लोग, कई जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहन के स्कूल में आ रही हैं, उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है कॉलेजों में। वो कह रहे हैं कि ड्रेस कोड सिस्टम नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि विद्यालय एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी सामान्य रूप से होते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए कोई रोल नहीं होता, ड्रेस कोड के साथ आना चाहिए। पूरे आपने भी सुना होगा इस सारे चीज़ के बारे में, आपका अपना व्यक्तिगत एज ए शिक्षा मंत्री क्या मानना है, इस चीज़ को कैसे लगाम लगाई जा सकती है? नहीं, देखिए मेरा मानना तो यही है कि स्कूल स्कूल की तरह ही चलना चाहिए, जैसे स्कूल चलते हैं और जैसे हमारे विद्यालय हैं उसी प्रकार से चलने चाहिए। अब उसमें भी अगर आप इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ पर किसान बीजेपी की खिलाफत कर रहा है और बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, हकीकत क्या कह रही है आपके हिसाब से? नहीं नहीं नहीं, किसान कहाँ खिलाफत कर रहा, किसान तो बीजेपी के साथ है, और अभी परिणाम आएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। वास्तविकता में कुछ लोग हैं जो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, उन्होंने अपना नाम अपने आप ही किसान रख लिया, और बार बार वो किसान 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 कहते हैं। किसान तो इतना बड़ा वर्ग है कि उसके बिना कोई सरकार बनती है क्या? अभी पंजाब का इलेक्शन है, अभी आपको पता चल जाएगा कि कितने वोट पड़ेंगे, जो आंदोलनकारी थे, जो सारा सारा करने वाले थे, अभी आपको पता चल जाएगा कितने पड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश का भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ सब किसानों को, मैं अभी उत्तर प्रदेश में जाया गया, वो कहते हैं कि ऐसी सरकार आज तक नहीं आई, बेहद खुश हैं, चाहे गन्ने की पेमेंट की बात है, चाहे सुरक्षा की बात है, चाहे डेवलपमेंट की बात है, हर दृष्टि से आज किसान वहाँ सेटिस्फाई है। भारतीय राजनीति के चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह ने भी जाटों को मनाने की बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा कि जाट वर्ग हमारे साथ आए, और 60 साल का पुराना रिश्ता भी गिराया, लेकिन माना जा रहा है कि RLD के जयंत चौधरी का वहाँ पे अच्छा प्रभाव हुआ, और सुना है कि वो लोग वो वर्ग आपने नाराज है, हकीकत क्या है, आप तो देख करके आए सारा कुछ? नहीं नहीं, देखिए कुछ नहीं है, जिस शब्द का बार बार जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा कि नाराज हैं नाराज हैं, जाट समाज मैक्सिमम बीजेपी के साथ है, पिछली बार भी बीजेपी के साथ था, उससे पिछली बार भी बीजेपी के साथ था, हर बार हम वहाँ चुनाव जीतते रहे, अब की बार भी। और किसी भी वर्ग के साथ मिलना बैठना बात करना ये तो हमारा काम है, जब चुनाव है तो कुछ से नहीं बात करेंगे, अब इतना बड़ा वोट है वो निश्चित तौर से उनके साथ बातचीत करेंगे, और वो अपनी समस्याएँ बताएंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए, किस प्रकार के उनकी भी कोई ना कोई डिमांड होगी तो वो भी बात रखेंगे। तो बड़े वर्ग के वैसे तो सबके साथ ही मिलना है, पर इतना बड़ा वर्ग है उसके साथ अगर गृह मंत्री जी ने बैठक करी, तो मैंने समझता ये बैठक पिछली बार भी की गई थी, हर बार करते हैं बैठक, तो किससे भी अगर हम भी वोट मांगने जाते हैं, मान लीजिए मैं अपनी विधानसभा में वोट मांगने जाता हूं, तो मैं भी लोगों से संपर्क करता हूं, संपर्क तो करना जरूरी है, ऐसे कैसे जीतेंगे इलेक्शन? ओवरऑल जो वहाँ पर एक खासकर विषय चलता है कृषि का, बहुत खास मुद्दा, क्योंकि गन्ने की खेती ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, और ये माना जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसान ये नाराज है कि गन्ने की पूरी पेमेंट नहीं दी गई, आपने दौरा किया, आपके सामने भी कहीं ऐसी कोई बात आई? देखिए वहाँ किसान इतना सेटिस्फाई है, वो कहता है कि जैसी पेमेंट इस बार हुई, ऐसी पेमेंट पहले कभी नहीं, जो पिछली सरकारें थी उनमें कभी पेमेंट नहीं, और उन्होंने जिस प्रकार से किसान का शोषण किया जब उनकी सरकार थी वो उनके याद है। दूसरी बात कानून व्यवस्था की बात है, किसान ये कहता है कि भाई अगर मैं अपने खेत पे होता हूँ तो घर भैंस खुल जाती, और अगर घर रुकता हूँ तो खेत से मोटर उठ जाती या इंजन उठ जाता, तो आज वो कुछ नहीं है, अगर मैं खेत पर रहूँ था तो ये नहीं पता कब कौन जो बैड एलिमेंट हैं वो कब हमला कर दें, कब घायल कर दें, किस प्रकार की लूटपाट कर दें। लेकिन आज उनको लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होगी, रात को किसी टाइम खेत पे जाओ, अपने खेत की रखवाली करो, देख रेख करो, लूट पाट सब कुछ बंद होगी। और जिस प्रकार डेवलपमेंट रही, चाहे बिजली मिलने की बात है, आज बिजली दिन में ही है, रात को जाना भी नहीं पड़ता, आज बिजली पूरी है, 18 घंटे 20 घंटे बिजली आ रही है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पहले उनके टाइम में 3 घंटे बिजली आती थी, 4 घंटे बिजली आती थी, सड़कें जिस प्रकार से अच्छी बन रही, तो उस सारे को देख के उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं। और अभी जल्दी रिजल्ट आने वाला, थोड़े दिनों में चुनाव होने लग रहा, जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, ये तो सबके सामने आ जाएगा। जो गर्मी है वो है कहाँ, जिसको योगी जी बार बार कहते हैं कि इस इलाके में कुछ ज़्यादा गर्मी है, इस यहाँ को ठंडा करने की पड़ता है, आपको लगता है वो इलाके? नहीं, कुछ लोग जिस प्रकार से बदजुबानी करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, और जिस प्रकार से घोषणाएँ करते हैं कि उनसे सामान ना खरीदो, ये ना करो, वो सीधे हो जाएंगे, उनका ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बारे में योगी जी ने कहा कि ये जो गर्मी है ये शांत हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो समाज को लड़ाने का प्रयास करते हैं, बिड़ाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों का इलाज होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए उनका इलाज? लोग शांति से रहें, खुश रहें, और जिस प्रकार से योगी जी ने बिना किसी भेदभाव के डेवलपमेंट किया,
चाहे वो कोई उसका मत संप्रदाय कुछ था, उसकी जाति कुछ थी, उसको कुछ नहीं देखा। आज सारा उत्तर प्रदेश ये बात कहता है कि किसी भी चीज़ में, चाहे नौकरी देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट की बात थी, योगी जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबको एक समान मान के उनके लिए विकास का काम किया। कांग्रेस की स्थिति क्या देख रहे हैं? आपने प्रचार किया वहाँ पे भी, देखा होगा कुछ आपको नजर आता है कि एक दो सीट आएंगी उनकी, कुछ लग रहा है आपके? देखिए, जहाँ मैं रहा वहाँ तो कांग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुझे 5 दिन में एक झंडा देखा एक गाड़ी के ऊपर, तो वहाँ तो कहीं कांग्रेस थी नहीं। मैंने ना कहीं उनका पोस्टर भी देखा, झंडा भी देखा, एक दिन एक झंडा लगा देखा मैंने। अब ऊपर पूरा पक्का याद भी नहीं है, मेरा तिरंगा झंडा था उसका, कांग्रेस का था, पर एक झंडा था 3 रंगों वाला, तो मैंने पूरा ध्यान नहीं दिया, शायद वो तिरंगा भी हो सकता है, एक ही झंडा दिखाया जाए। 4 दिन में एक ही झंडा दिखा। हाथी भी दिखा कहीं नजर आया? हाँ, हाथी का तो है, हाथी के पोस्टर तो हैं, लेकिन कांग्रेस का कहीं नहीं था। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी क्या लग रहा है, वो भी कहीं नजर है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी का उन्हीं के साथ मुकाबला है, लेकिन निश्चित तौर से जीत भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी ने दिया, तो आज जनता उसकी मुरीद है और जनता चाहती है कि हम पिछले के मुकाबले भी ज़्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएंगे। पंजाब में भी आपको लगता है कि मुकाबला बीजेपी के साथ है, या आपको भी लग रहा है कि मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? देखिए, मैं पंजाब में गया तो नहीं, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पंजाब की कांग्रेस ने और इन लोगों ने कर दी, और जिस प्रकार के लालच ये देने लग रहे, तो आज पंजाब का आम आदमी ये महसूस कर सकता है कि पंजाब की स्थिति को अगर कोई ठीक कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और आज वहाँ का किसान भी ये देख रहा है कि जिस प्रकार के फायदे किसान को हरियाणा में मिल रहे हैं, उस प्रकार के फायदे पंजाब के किसान को नहीं मिल रहे हैं। और पंजाब जो देश का नंबर एक स्टेट था, आज वो खिसक के 7वें 8वें नंबर पर चला गया, हरियाणा पहले नंबर पर आ गया, जबकि हरियाणा में बहुत सी समस्याएं थी। तो आज वो भी सोच रहे हैं कि भाई अगर ये परिवर्तन होगा और बीजेपी की सरकार अगर आएगी, तो निश्चित तौर से एक अच्छा शासन मिलेगा, और जो भेदभाव का है, जिस प्रकार से भेदभाव चलता रहा, वो भेदभाव समाप्त होगा और मेरिट पर मिलेगा जो मिलेगा। नहीं, देखिए, अब जो लोग वहाँ चुनाव में हैं ज़्यादा, तो वही उसके बारे में बता सकते हैं जो वहाँ देख रहे हैं। मेरे तो उत्तर प्रदेश में ड्यूटी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में है वहाँ पर।